अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआओं से और अल्लाह की रहमत से बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और आप सब लोगों के साथ हमारा सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है। क्योंकि हम लोग जब अपनी वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि आप सब भी हमारे साथ साथ हर जगह को देख रहे हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जनाब, आज हम लोग तैयार होकर घर से निकल रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, निकलने से पहले जो है हनी लोग जो है फ़ोटोशूट कर रहे थे। जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी होती, जहाँ गाड़ी पार्क करते हैं, वहाँ का व्यू है। और जी, वहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई भी है। गाड़ी हम लोग ऊपर नहीं लेके जाते क्योंकि पत्थर बिल्कुल सारे बैलेंस में नहीं है, तो गाड़ी का कोई मसला ना हो जाए, इस वजह से गाड़ी को हम लोग नीचे ही खड़ा करते हैं। तो देखें ज़रा, बारिश सुबह से लगी हुई थी और उसके बाद एकदम से धूप निकल आई है। और धूप भी जो है वो बिल्कुल, मुझे तो ये इंग्लैंड के जैसा मौसम लग रहा है, जहाँ बारिश हो तो सर्दी लगती है और उसके बाद जब धूप निकल आती है, जो लोग वहाँ रहते हैं उन लोगों को पता है कि वो धूप कितनी चुभती है। और यहाँ की धूप का भी वही हाल है कि जब ये निकल आई है और फिर ये जिस्म को जो ऐसे उसकी चुभन फील हो रही है। तो मैं अम्मी को बता रही थी कि अम्मा, ये तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जो है ना हम लोग इंग्लैंड में हैं। तो जी, हम लोग बातें करते हुए जा रहे हैं साथ साथ में। तो हमारे हनी भाई ये बहुत फ़नी है, कोई ऐसी बात करते हैं कि जिसकी वजह से हम सब लोग जो है हंस पड़ते हैं। तो अल्लाह ताला इनको जो है सेहत तंदुरुस्ती दे और उनकी लंबी ज़िंदगी करे और अपने अमान में रखे, हमारी तो यही दुआ है। तो जनाब, ये देखें, ये बिल्कुल सामने से जो है वो बादल उठ रहे हैं। आज हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं वो यहाँ की मशहूर चोटी है और उसको कहा जाता है जी गंगा चोटी। और हमारे गाइडर बता रहे हैं कि बहुत खूबसूरत जगह है और वहाँ की जो रोड है वो चाइना ने तमीर की है, वो नीचे से लेके ऊपर तक जो है वो बनी हुई है, फुल पक्का रोड है। तो जनाब, वहाँ पर जो है अभी जाते हुए हमें इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं नज़र आए जैसे नारान कागान और दूसरी जगहों पे होते हैं। उस तरह से इस तरफ को अभी टूरिज़म का इतना रुझान नहीं हुआ। तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जगह है और सारे पहाड़ साफ़ सुथरे हैं। बारिश होने के बाद हर चीज़ भी ऐसे निखर गई है और बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आ रही है, और धूप की वजह से तो और भी वहाँ का मंज़र हसीन लग रहा था। यहाँ के खूबसूरत और हसीन मंज़र देख के बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बंदा फिल्म देख रहा है, मुझे तो उसी के सीन याद आ रहे थे, ऐसे हम लोग फिल्मों में देखते थे। और आज वही मैदान और चीज़ें, पहाड़, दरख्त हम लोग लाइव देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था ये सब कुछ।
आसमान को छूते हुए पहाड़, नीला नीला आसमान, कहीं कहीं बादल। क्यों इसके पीछे एक और पहाड़ है, तो वहाँ भी पैदल जाते हैं? पैदल जाते हैं, घोड़े पे जाते हैं। ऊपर जाके देख, थोड़ी वॉकिंग शॉकिंग कर, इधर आकब आया ना, वो इधर इधर बारिश शुरू हो गई, इधर बारिश चलते ना, वो परली पहाड़ी में नजर आती है पूरा पक्षर भी है जी, सही मजे से तो अपन ऊपर चढ़ के फिर विंडो फायर इधर चले। डिग्गी खोलो, ऊपर जाए वो हवा बहुत ठंडी थी और चाय की तलब हो रही थी, और अम्मी लोगों ने चाय बनवा ली तो मुझे भी वो बुला रहे थे, तो अब हम लोग चाय पीने लगे हैं जी।
जगह देखे जरा कितनी खूबसूरत है। ये ले लेना, पीछे का व्यू देखे माशाल्लाह। वो उधर टॉप पे जाना, इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।